नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले आप जाके देखिए किस तरीके से IDFC बैंक के एक एजेंट ने सिर्फ एक EMI ना पे कर पाने पर जो कस्टमर की थी बुलेट उससे छीन ली और क्या हंगामा हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो सोर्स है वो IBN 7 है। थैंक यू IBN 7। डिस्क्लेमर में ये बोलता हूँ कि द सोर्स ऑफ दिस वीडियो इज गोज टू IBN 7। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो क्लिप। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और ये जो शख्स सामने इस समय खड़े हैं, इन्होंने शिकायत दी है कि IDFC बैंक के जो ये रिकवरी एजेंट हैं, इन्होंने इनसे इनकी मोटरसाइकिल छीन ली। हालांकि एक किस्त इनकी बकाया थी, उसके बावजूद कोई रिटर्न में कोई आदेश इनके पास नहीं है, ना ही इन्होंने रिटर्न में कुछ उन्हें दिया। और उनके भाई से मोटरसाइकिल लेकर चले गए। और जो व्यक्ति यहाँ सामने खड़े हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने IDFC बैंक की तरफ से मोटरसाइकिल इनसे छीनी, कोई कागज नहीं दिया। जी, छीनी नहीं है। क्या नाम है आपका? वीडियो मेरे पास। नाम क्या आपका? सुमित है। आप सुमित जी, कौन से बैंक के लिए रिकवरी करते हैं? IDFC। IDFC बैंक ने आपको हार्ड रिकवरी दी हुई है? तभी तो इनके डीट मैं कह रहा हूँ, हार्ड रिकवरी आपको दी हुई है। कोर्ट के आदेश है कि हार्ड रिकवरी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। बताइए जी, वीडियो देख ले भाई। ये इनके पास वीडियो है जिस वीडियो के आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि हमने मोटरसाइकिल छीनी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि बिना कोर्ट के आदेश के एक किश्त बाउंस होने के बाद ये मोटरसाइकिल कैसे ले सकते हैं, जो कि बैंक के मैनेजर की रिकॉर्डिंग इनके पास है कि एक किश्त इनकी बकाया थी और उसके बावजूद ये इस तरह से उनकी। क्या नाम है आपका? नाम क्या? अजय है सर मेरा। क्या मामला है आपका? सर बात यह है कि ना, मेरी एक किस्त बाउंस हुई है। कौन से बैंक से मोटरसाइकिल? IDFC बैंक से किस्त हुई है सर मेरी, और बुलेट मोटरसाइकिल थी सर। सर 3 महीने का जो मोटरेशन था वो मैंने बैंक से ले लिया था। हाँ जी, मोरिटोरियम मैंने बैंक से ले लिया था। और बैंक वाले बोल रहे थे कि जो आपका ब्याज है वो आपको किस्तों में बकाया चुकता करना पड़ेगा सर। तो उसके बावजूद एक किस्त मेरी बाउंस हुई है सिर्फ। मैं बैंक के मैनेजर के पास गया था, वहाँ पे वो कह रहे थे कि जो आपका जो ब्याज बनता है ना 10,000 रुपये, वो किस्तों में आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर, उन्होंने बोला है कि मेरी हमारी कोई उससे हमारे को कोई किसी को हमने वो नहीं दिया आदेश कि वो मोटरसाइकिल उठाओ उनकी, आपकी किस्त है, आप जब मर्जी पे कर सकते हो ब्याज के साथ पेनल्टी के साथ। भैया मेरे को ये बताओ, आपके पास कोई रिटर्न में आदेश था? आपको कंपनी ने बोला कि आप जाइए इनकी मोटरसाइकिल रिकवरी करके लाइए? भाई इन्होंने अपने आप पे दे रखी। आप फिर ले गए? मेरी कार लेके दिखाओ, ये लो पकड़ो चाबी, लेके जाओ, ये लो मेरी कार लेके जाके दिखाओ। मैं कह रहा हूँ आप मेरी कार लीजिए ना, लेके जाइए, दिखाइए मुझे। आपको पता है हार्ड रिकवरी पे रोक है? आपके पास मैं 2 महीने से फोन कर रहा हूँ। आपको ये कह रहा हूँ, आपको पता है हार्ड रिकवरी पे रोक है? मैं 2 महीने से। आप ये तो बता दो, हार्ड रिकवरी पे रोक है, पता है या नहीं पता? क्या कह रहे भाई? ये फाइनेंस कंपनियों के जो बदमाश हैं, ये वो लोग हैं जो इन जैसे लोगों की एक किस्त इनकी बाउंस हुई है, जो इनका कहना है कि एक किस्त हमारी बाउंस हुई है। और उसके बाद जो कंपनी के मैनेजर है, IDFC बैंक की ये बात हो रही है, IDFC बैंक के जो मैनेजर है वो बोल रहे हैं कि हमने IDFC बैंक के मैनेजर के पास गए, क्या बोले आपको? वो कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसी कोई हमने वो करी नहीं है, आपकी किस्त है वो, आप वो कह रहे हैं कि आप अपनी किस्त आप ब्याज के साथ दे देना। अच्छा, आप क्या कह रहे हो जी? इन्होंने जब लोन ले रखा है, एड्रेस दे रखा है, वो भी इन्होंने चेंज कर रखा है आपके पास। बैंक ने एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत है। आप नवनीत? नवनीत जी, आपको बैंक, एक मिनट रुकी ना, देखो हम पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक की बात करेंगे, आप पब्लिक के लिए हो। आपको बैंक ने बोला कि इन्होंने एड्रेस बदल दिया है और आप इनकी मोटरसाइकिल लेकर आइए। अगर मैं आपकी किस्त, आप छोड़िए यार, आप मुझे ये बताइए, आपको बैंक ने बोला? अगर बोला तो वो ऑर्डर दिखाइए। किसको बोलेगा बैंक? तो ये बोलेगा रिकवरी करो आप। रिकवरी कैसे करते हो? किस्त लेके आओ उनसे, मोटरसाइकिल उठा के रिकवरी होती है? उठाई तो उठाएगी, फिर बात होती है। आप इशू क्यों बना रहे हैं? उठाइए, उठाइए। आप मुझे एक बात, क्योंकि कोर्ट की रोक है, कोर्ट की कोर्ट जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरे पास बोल लो। अगर मैं आपको लेके, आप खुद भी बड़े हो, जब बंदे ने ये बोल दिया कि मैं पेमेंट दे रहा हूँ, 4 पेमेंटें टूटी पड़ी हैं कस्टमर की, 4 पेमेंटें टूटी, चाहे इनके 40 टूट जाए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, इनकी एक मिनट, इनकी किस्तें बाउंस हुई? इनकी किस्तें बाउंस हुई? अरे ब्रदर एक मिनट बताइए, इनकी किस्तें बाउंस हुई? हुई है ना? आपने 938 में नेगोशिएबल एक्ट में मामला कोर्ट में दायर किया? ये मेरे को धमकी देने लग रहे हैं, आटके में भी उठाऊंगा मैं तो, हाथ लगा दिखाइए, मैं भी बोल लूंगा इससे, बैंक के मैनेजर को बुलाओ और वो कहेंगे
तो फिर मैं उसके लिए तैयार हूँ सर। मामला देख लीजिए, थाना सिविल लाइंस में हम यहाँ पर खड़े हैं। पहले बजाज फाइनेंस का मामला था, अब IDFC बैंक की गुंडागर्दी, बदमाशी और हार्ड रिकवरी का मामला। मैं आपको बता दूं कि मैंने कानून के जो जानकार हैं, जो अधिवक्ता हैं, उनका कहना है कि हार्ड रिकवरी पर पूरे तरीके से रोक है। सेक्शन 9 के तहत पहले इन्हें नोटिस देना चाहिए था, वो भी कोर्ट के थ्रू इन्हें नोटिस दिया जाता। जब आपकी मोटरसाइकिल उठी है तो आप चोरी की दरखास्त हो ना, आप ये बीमे वालों की क्या रहे कि बीमे वाले को उसको लेके गए। मैनेजर बोल रहे हैं कि हमारी कोई, हमने कोई दी नहीं कोई रिकवरी के लिए, हमने कोई बात ही नहीं। आपको 4 महीने से तनख्वाह मिल रही है ना? किसको नहीं मिल रही? अब इसी यही बात बता दी, जब आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, इसकी नौकरी चली गई है, आप हार्ड रिकवरी कैसे कर रहे हैं? कमीशन पे है ना, हमें तो जब तक किस्त नहीं आ रही थी इनसे एक मांगी, वो कहते हम एक भी नहीं देते। ठीक है, चार आप कौन है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मोटरसाइकिल उठाने वाले कौन है? क्या जज है आप? क्या आप कानून है? कानून से ऊपर है आप लोग? मुझे अपने आप दे रहे गाड़ी। तो ये बात मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, क्या आप कानून से ऊपर है? देख लेना वीडियो, वीडियो बना रही वो कह रहे हैं कि मैं ऑटो को बुला रहा हूँ, भाई मोटरसाइकिल दे मैं यू करवा दूंगा, यू करवा दूंगा, किस तो करवा देगा। उस टाइम पुलिस क्यों नहीं बुलाई थे ना, जब ये तेरे पास आए मंगन, उस टाइम क्यों नहीं आए थे? माना बड़े भाई की तरह कह दिया भाई एक बार मेरे मिल ले, अगला बंदा मेरे फोन नहीं उठाता, मैंने 50 फोन कर लिए। भाई क्या नाम है आपका? सुमिता। सुमित भाई मैं तो आपसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ, आपके पास एक मिनट मेरी तो सुन लो, एक बार मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, इस पे कहाँ लिखा है, एक मिनट इस पे कहाँ लिखा है कि मोटरसाइकिल उठा लाओ? एक मिनट रुकिए, यार देख कितनी किस्त है भाई, देखिए 4-5 टूट। आपसे ये पूछ रहा हूँ, सारा काम तो मेरी बात सुने, तो कुछ भी नहीं होता, कुछ हो जाओ भीतर भग जाता, मैं एक बात सुन ले जी, बदमाशी और गुंडागर्दी देखिए सुन लिया। बोले बैंक का मैनेजर कहने लग रहा है, एक चार मांगी आपसे, एक मांगी एक भी नहीं दी। तो आपको ये कह रहा हूँ, आपको ये किसने कहा कि आप मोटरसाइकिल उठा लो? गाड़ी खोसती हो, गाड़ी नहीं खोसती, आपने उठाई क्यों? जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? मैं आपको वीडियो लग रहा है सेंड कर, जैसे मैं गाड़ी खोसती हो लग रही है, 50 आदमी दिखा आप लेने वाले कौन है, किस हक से आपने गाड़ी? मेरा गाड़ी क्लोज कर लग रहा है, जो होता वो कर ले, ये कर ले वो कर ले, मैं भी बुलाने लग रहा है मालिक से, माल कर लग रहा है कर रहे हैं तो कर ले भाई, तो कोई नहीं कर लेंगे मालिक से ले सका ना। और ये देख लीजिए, कहते हैं कि लीजिए थर ते पीछे दे रखना जी, दिया था आप भी दे दो, क्यों दे मैं? आप भी दे दो, मेरे तो आपकी किस्तें तो उस बेचारे से, आपने एक किस्त बोला कि दे दो, एक किस्त तो उससे दे नहीं जा रही, मीडिया को पैसे देकर बुलाया, इनका करोड़पति आदमी इतनी शाम में आयू है, यूपी से दे देना, अच्छा पीछे दे देना, कितने 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 करोड़ बंदा का मैं मीडिया के पैसे में लेगा उरा उकल, तो किस्त दे होता मेरे ते, तो भाई किस्त दे जा मेरी गाड़ी ले जा, मैं तो देने लग रहा था, तो मेरे कल गया नहीं भाई किस्त ले, उस दिन की क्यों नहीं दी, उस दिन की क्यों नहीं दी, ईव लाइव दे मेरे 10 मिनट में तेरे लिए मोटरसाइकिल आ जाएगी। बैंक का मैनेजर कहने यार्ड में एक किस्त बाउंस है, सिर्फ एक किस्त, अगर जो आप सच्चे होते सर, आपको अगर जो डंडा दे रखा है ना बैंक ने, एक किस्त लग रहा कान उड़ा है, एक किस्त जो तेरी एक किस्त नहीं, जाओ मैं भरूंगा किस्त, मेरी बात सुन, दिल देख दिल तना जानता भी नहीं, जो एक किस्त तेरी मैं भरूंगा किस्त, पहले मेरी बात सुन, वो कह लग रहा है जो 3 महीने का मोटिवेशन लगा था, इस पे साइन तो है नहीं इसके, साइन का है, ये दिखा रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिए देख लीजिए, कह रहे हैं कि इस बिहाफ पर हम मोटरसाइकिल लेकर आए हैं जिस पर किसी तरह के कोई साइन नहीं है। जी 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 दिखाइए दिखाइए, इस भाई ते कया मगा भाई, इसने मेरा क्या कहा, उसी ते बात कर लिए, कागज देंदा इस्ते में और गली पक गया चाबी। छोटे भाई आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कानून मेरे लिए भी वही, आपके लिए भी वही, ठीक है या गलत है? ठीक है ना, इतना सुप्रीम कोर्ट का सुनिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप हार्ड रिकवरी नहीं कर सकते। मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ किस आदेश का आप न करना काम, अगला आदमी खुद सौंप रहा है चीज, खुद सौंप रहा है चीज, तो उसमें तो हाई कोर्ट का कोई, तो आपको ये कह रहा हूँ आपके पास आदेश थे, मेरे पास कोई आदेश नहीं, ठीक है आपसे, आपने अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल अपनी मर्जी से नहीं दी, अब चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, आपने चाबी हैंड ओवर डाल रहे थे मेरे ऊपर, आप उनके भाई हैं क्या? नाम है आपका? ये प्रेशर डाल रहे थे मेरे ऊपर, मैं घबरा के इनको मोटरसाइकिल की चाबी दे दिया। कितने लोग आए थे आपके? ये 2-3 बंदे थे, दो थे, ठीक है, इन्होंने खुद मतलब कि वो कर दिया,
तो मैं घबरा के फिर मैंने दे दी क्यों मैं। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, पिट्टी करी धमकाया तो कुछ कराया क्या प्रेशर किया? अगर आप चल चल मान लिया हम लोग आगे क्वेश्चन के लिए, आपने चाबी नहीं हैंड ओवर करनी थी, उठा के लेते रिक्शा में लेते किसी तरीके से लेते, वो क्वेश्चन होता है। इन्होंने खुद हैंड ओवर कर रहे हैं, हैंड ओवर करके आराम से अंदर जा रहे हैं। उस टाइम भी मीडिया बुला सकते थे, उस टाइम भी पुलिस बुला सकते थे। आज मीडिया क्यों लेके आए, ये आज क्यों लेके आए मीडिया? सुन लिया आपने, ये रिकवरी का तरीका है। करनाल के एसपी इस बात पर जरूर ध्यान दे कि रिकवरी के नाम पर फोन कराते पुलिस वाले थे ये कि हमें धमके दे रहे, सिर्फ किसी दूसरे पुलिस वाले से फोन करवाते हैं कि जो नहीं जानता। रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मेरा खुद इन्होंने फोन कराया, नंबर हमारे पास। आपके भवनों में तो रिकॉर्डिंग रहती है? हमें तो रिकॉर्डिंग है जो है हमने दिखाई आपको, जो सच्चा कमल है। आप क्या कानूनी की सुन रहे हैं आप भी? भाई साहब किस्त दे जाएगा, अपनी मोटरसाइकिल ले जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं मिलेगी, यानी आपने हार्ड रिकवरी की है ना? किसमें आपने हार्ड रिकवरी की? मना नहीं करी आपने, आप दे रखी गाड़ी मेरे लेके गए ना, गाड़ी दे रखी आप दे दो मेरे तो भाई मेरी किस्त टूट रही ले जाए। रुक जा इना मेरे तेन कह भाई मेरे मन दम भरण का, मैं नहीं किस्त मेरा नंबर डू भाई कहना, मैं नहीं भर सकता किस्त, मैं तो ले जाऊंगा चश्मा मैं कोई सभी मेरे मोटरसाइकिल देगा नहीं भाई, मेरे पास किस्त नहीं भरी जाती, मैं तो ले जाऊंगा। लॉकडाउन में आप जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी जो किस्तें थे वो नहीं दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने इस तरह के आदेश दिए थे कि कोई जी अब भी लॉकडाउन है नहीं है अब अनलॉक है, है? दो मिनट दूसरा महीना चल रहा है अनलॉक, अनलॉक है छोटे भाई, थोड़ी जानकारी ले लो, अनलॉक चल रहा है, लॉकडाउन नहीं है। बात पूरी समझो कि कहां से बात क्या हो रही है, एक तरफ मत बोलो, हम लोग रिकवरी वाले हैं, नौकरी वाले। जितनी बात उनकी सुनी उससे ज्यादा तो माइक आपको दे रखा है, आप बोलो जो बोलना है। आपने वीडियो देखी, वीडियो में अगर 1% भी मोटरसाइकिल तो छोड़ने वाली होती, छोटे छोटे भाई नवनीत मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि कोर्ट ने ये बात बोली है कि आप हार्ड रिकवरी नहीं कर सकते। ये भी बोला है कि अगर आप हैंडओवर कर रहे हैं ना तो आप उनसे चीज ले सकते हैं। कहाँ लिखा है? ले सकते हैं, दिखाइए। मैं कह रहा हूँ आप दिखा लो, मैं गलत बोल रहा हूँ ना, आप अपना दिखा दो, मेरा गलत है दिखा दो, फिर हार्ड रिकवरी में लेना चाहिए, लिखा हुआ कहीं दिखाओ, आप दिखा दो, आप दिखा कह रहे हो ना, हार्ड रिकवरी स्टॉप करो इसको, अभी दिखा देते हैं। नौकरी करें दो रही हूँ हाँ देना, किन के लवा तो साहब देना फिर किस्त अपनी बुलेट ले ले, मैंने तो जुट तक नहीं, मैंने तो जुट तक नहीं डैडी करा भाई, हम यहाँ काम को नहीं करते हैं तेरे की तरह भाई, सर हमारा किस दोगे ना तेरे, जब पैसे मिलेगा मैंने तो जब किस्त मिलेगी बैंक पे, तो ले रखी बैंक ना मिला रखा है, बैंक वाले तो मना कर रहे, माने को बेचा नहीं ऐसा, तो मैनेजर के लिए बात करा मेरी तो बुलाना, तो बुला तेरे काम की यार, प्रेशर तो तेरे तो दे रखा ना मैनेजर ने, तो बुला मैनेजर ने, तो बुला मैनेजर ने, ऐसा भाई दोस्त के दिया है मैनेजर, मैं नहीं बुलाता किसी ने, अभी मेरे तो मैनेजर ने प्रेशर दे, मैं नहीं बुलाता किसी ने, अभी तेरे पर किस्त तो मैनेजर ने, तेरे पर किस्त तो अपनी गाड़ी ले जिए अपने भाई, मार लो खड़ी एक साल माइए दो साल माइए मेरे लो खड़ी, आपके पास क्यों खड़ी है, वो तो बैंक में जानी चाहिए, बैंक में आप कह रहे मेरे पास, मैं ही लेकर जाऊंगा लाऊंगा ना, आप कह रहे मेरे पास खड़ी, यार्ड में लगा दिया हमने, जो इसमें दम होगा किस्त का तो दे देंगे, नहीं होगा भाई अपने बैंक पे छुड़वा दिए। ये सुन लिया आपने क्या हो रहा है करनाल के अंदर, ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और यहाँ पर हो क्या रहा है, देख लिया आपने कि एक व्यक्ति, सर क्या कितनी कितनी किस्तें आपकी टूटी हुई हैं? ये तो बताएगा, ये एक किस्त रुकी हुई है सर, और जो 3 महीने की जो मैंने मोटरेशन लिया था ना सर, उसका ब्याज है, वो मैनेजर बोल रहे हैं कि वो आप किस्तों में पे करना आपको, ये सर पूरा ही वो बना के बैठे हैं सर, अब सर वो भी तो क्लियर, सर मैं किस्त देने के लिए तैयार हूँ, मेरी मोटरसाइकिल जहाँ से उठाई है वहाँ छोड़ दें। नहीं, जो मोटरसाइकिल लेके गए उसके लिए आपने कोई शिकायत दी अब थाने में? सर मैंने थाने में शिकायत दे रखी है। क्या दिया आपने? कि मेरी मोटरसाइकिल उठा के लेके गया बिना कोई कोर्ट के कागज के, मेरी मोटरसाइकिल उठा के ले गए, नोटिस नहीं दिया इन्होंने आपको? कुछ नहीं दिया सर जी, मेरे भाई के पास आए वहाँ पे प्रेशर डाल गए, इससे भाई खोज के ले गए। IDFC बैंक का यह मामला, इस खबर को देखने वाले इस खबर को शेयर जरूर करें। सुन लिया आपने, दोनों पक्ष आपने सुन लिए, फैसला आपको करना है कि मामला ठीक है। मैं आपको बता दूं कि IDFC बैंक से यानी कि मेरे को कई फोन इनके ग्राहकों के आ चुके हैं, इस तरह की जो बदमाशी है वो आपने देख ली किस तरह की, अब ऑन कैमरा अगर ऐसे है तो ऑफ द कैमरा सब ये लोग क्या करते होंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑन कैमरा ये बात बोली है कि तेरे पास पैसे हों तो मोटरसाइकिल ले जाइए, यानी अब इस बात की तो इनकारी है नहीं कि इन्होंने हार्ड रिकवरी की। अब कानून इस बारे में क्या कहता है ये आने वाले समय में देखना ज़रूरी होगा कि क्या कुछ ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है, क्या पुलिस इनकी मोटरसाइकिल दिलवा पाती है या इसी तरह इनको धक्के खाने पड़ेंगे। सीधी तस्वीरें करनाल के सिविल लाइन थाने से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो अजय कुमार, इनका अजय नाम आपका, अजय कुमार इनका नाम है, कौन सी मोटरसाइकिल थी आपकी? बुलेट मोटरसाइकिल है सर। नंबर बता आपको? HR05BB0167। नई मोटरसाइकिल है? नई मोटरसाइकिल है सर, एक साल से मैं किस्त भर रहा हूँ।
और ये कह रहे हैं कि एक सर मेरी नो जॉब चली गई थी मार्च में सर, मार्च के बाद मैंने मोटिवेशन ले लिया सर, अभी मेरी 10 तारीख को जॉब लगी थी, मैंने इनको बोला कि 10 तारीख को मेरी सैलरी मिल जाएगी अगले मंथ, मैं 21 तारीख को जमा करा दूंगा। तो सर इन्होंने इतना प्रेशर डाल रखा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है सर, मेरे भाई से इतनी गाड़ी गलौच करके मोटरसाइकिल लेके गए सर, अभी आपके सामने भी गाड़ी गलौच कर रहे हैं सर, आपको देख लिया आपने। क्या बातचीत हुई जब आए आपके पास? सर मैं अपना शॉप पे था, मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, मैं कोई काम जा रहा था, तो सिक्का लैब के पास आ गए इन्होंने, मुझे बुलाया और बोला अपना मेरे को बाइक दो भी, मेरे को डंडा आ रहा है उसका, मैनेजर का डंडा आ रहा है, मेरे को नहीं पता ना चाबी लिया मैं तो ऑटो में डाउन लोड करके लेकर जान लग रहा है, मतलब प्रेशर दे के, मतलब कि फिर मेरे को चाबी देनी पड़ी, मैं कल्ला था घबरा गया, इसलिए मैं भाई को फ़ोन करता रहा, भाई बिजी था बाइक पे चला रहा था, फ़ोन नहीं उठा पाया, इसलिए ये कहते नहीं नहीं हम मोटरसाइकिल ले जाएंगे, ये है वो है। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें, और करनाल पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ एक आदेश डीसी या एसपी के थ्रू भी जरूर जाए, लोगों को बताया जाए कि क्या हार्ड रिकवरी इस तरह से हो सकती है या नहीं हो सकती है, जो लोग इस तरह से हार्ड रिकवरी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई का क्या प्रोविज़न है, और ऑन कैमरा यानी कि हद तो इस बात की देखिए कि या तो कैमरे पे आदमी मुकर जाए, वो कैमरे पर क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आपने सुन लिया, सीधे तौर पर मामला क्या बनता है आपने देख लिया कि लॉकडाउन के चलते अजय की नौकरी चली गई, एक किस्त उनका कहना है कि मेरी एक किस्त रुकी हुई है, जो रिकवरी के लोग हैं उनका कहना है चार किस्तें रुकी हुई हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि तीन किस्तों की मैंने मॉरिटोरियम ली थी, जिसकी जो पुष्टि है वो IDFC बैंक के मैनेजर ने भी इन्हें की है कि आपकी एक ही किस्त बकाया चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस तरह लोगों की मोटरसाइकिलें दिन दिहाड़े रिकवरी एजेंट्स द्वारा उठाए जाने लगी तो फिर कानून नाम की जो चीज़ है वो कहां तक रह जाएगी। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सिविल लाइन थाने से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।